दोस्तों अगर आप में है इस एक्सेल के सवाल को सॉल्व करने का दम तो आप हो एक्सेल के बाजीराव सिंगम। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूं। एक्सेल का एक ऐसा प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसे सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो खर्च जरूर कीजिएगा। फिलहाल सवाल क्या है ये समझ लीजिएगा। यहां पे आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है सी कॉलम से लेकर के कॉलम में, मैं हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूं, सी कॉलम से लेकर के कॉलम में जो आपको यहां पे डेटा दिखाई दे रहा है उसमें 9 स्टेटस आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 4 अलग अलग डिफरेंट स्टेटस है, जैसे कि पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, इन प्रोग्रेस है और पॉज है। तो हर एक स्टेटस में उसका स्टेटस रिपोर्ट लिखा गया है, कहीं पे भी ब्लैंक नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें यह करना है कि भाई इस रो में, जैसे प्रोजेक्ट 1 के रो में पेंडिंग बहुत बार लिखा गया है, तो यहां पे पेंडिंग मैक्स स्टेटस में रिजल्ट आ जाए। यानी कि जिस रो में जो स्टेटस ज्यादा है, जैसे इस वाले रो में इन प्रोग्रेस स्टेटस ज्यादा है, तो यहां पे इन प्रोग्रेस रिजल्ट दिखाई दे। तो मैक्स स्टेटस जहां पे जिस रो में अवेलेबल है, जिस प्रोजेक्ट का मैक्स स्टेटस जो है, वो यहां पे मैक्स स्टेटस वाले एल कॉलम में रिजल्ट डिस्प्ले करे। डेफिनेटली आपको यह समझा होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यह सब सोचना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी फाइल दी है, डाउनलोड करके आप इसके ऊपर आपका दिमाग खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं खर्च करना चाहते और इसे समझना चाहते कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सीधी बात, नो बकवास। मैं सतीश, एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में कहा कि हमारे पास 9 स्टेटस में 9 अलग अलग कॉलम टेक्स्ट में लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे पेंडिंग, कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस और पॉज, ऐसे 4 अलग अलग स्टेटस है जो कि हर एक अलग अलग रो में यहां पे प्रिंट किया गया है। और हमें रिजल्ट चाहिए कि भाई पेंडिंग अगर पहले रो में ज्यादा है तो यहां पे पेंडिंग लिखा है, अगर इन प्रोग्रेस इस रो में ज्यादा है तो इन प्रोग्रेस, मतलब जो भी स्टेटस ज्यादा उस रो में है वो यहां पे मैक्स स्टेटस में प्रिंट हो क्या है। तो उसके लिए हम क्या लॉजिक बनाएंगे, चलिए सबसे पहले मैं लॉजिक बनाने के पहले कुछ फंक्शंस आपको यहां पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक नया फंक्शन यहां पे सिखाने वाला, उसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले देता हूं। वो है मोड, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं नीचे आपको दिखाई दे रहा है मोड करके, राइट। ये जूम कर लेता हूं, मैंने मोड टाइप कर लिया और नीचे आप देख सकते हैं मोड करके ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब बेसिकली ये फंक्शन जो है ये पुराने वर्जन में कंपेटिबल था। अगर आप मोड फंक्शन यहां पे लेते हो और इसे सिलेक्ट करते हो मोड फंक्शन को, तो यहां पे वो दिखाई दे रहा है एक इंस्ट्रक्शन, दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर कंपेटिबल विथ एक्सेल 2007 एंड अर्लियर, बट anyway we can use this function over here. But what is the use of this function? Returns the most frequently occurring or repetitive value in array or रेंज ऑफ डेटा। ये अंग्रेजी में समाचार था, डोंट वरी हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं कि भाई करता क्या है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन इस वाले फंक्शन में जितने भी वैल्यूज आप लिखोगे, जो भी एरेज आप लिखोगे, जो भी वैल्यूज लिखोगे, मतलब एरे मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, तो जितनी भी वैल्यूज आप यहां पे लिखोगे उस वैल्यू में जो रिपीटेटिव वैल्यू मैक्स टाइम आई है वो यहां पे शो करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, सपोज एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे क्या किया है, नंबर 2 लिखा है, कोमा नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 कितनी बार लिखा है मैंने, 4 बार, और यहां पे मैं नंबर 3 लिख रहा हूं, नंबर 3 मैंने लिखा है बस 2 बार। अब ये बताएगा कि भाई नंबर 2 ये रिपीटिव है, दिखाई दे रहा है आंसर क्या बता रहा है इसका, नंबर 2। अगर मैं नंबर 2 उतना ही रहने देता हूं लेकिन नंबर 3 जो है वो मैं 5 बार लिख देता हूं, तो अब वो बताएगा कि भाई नंबर 3 ये ज्यादा बार लिखा गया है रिपीटिव वैल्यूज में, मतलब इन दोनों में नंबर 3 ज्यादा बार लिखा गया। हाँ, मैं इसे आगे पीछे कर कर भी लिखूंगा तो भी चलेगा, मतलब मैंने क्या कर दिया, 4-1 यहां पे लिख दिया, देखिए 4-4-4 यहां पे 3-4 लिख दिया मैंने, और एंडिंग में मैंने 3-4-4 लिख दिया यहां पे 1-4-4-4। अभी मेरे पास 4 नंबर की वैल्यू जो है ना वो ज्यादा है, तो बताएगा कि भाई इस वाले एरे में 4 नंबर की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहां पे 3 बार आ चुका है, यहां पे 3 बार 6 बार है, और 3 वाली वैल्यू 5 बार है, 2 वाली वैल्यू 4 ही बार है, तो 4 वाली वैल्यू मैक्स टाइम है, ये यहां पे मोड आपको बता रहा है। सो मोड के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करता है और देखता है कि भाई इसमें मैक्स टाइम कौन सी वैल्यूज आ चुकी है, ये बता रहा है। लेकिन ये यहाँ पे नंबर को बता रहा है और ये हमारा नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है, याद रखिए हमें यही करना है, हमें मैक्स वाली वैल्यू ही यहाँ पे लेनी है। लेकिन यहाँ पे हमें पहले देखना पड़ेगा कि भाई मैक्स कौन है, पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, इन प्रोग्रेस है, कौन है, और ये टेक्स्ट है,
और ये नंबर है, लेकिन मोड से हमने इतना तो पता कर लिया कि भाई मोड काम क्या करता है, राइट? मोड एक नया फंक्शन आपको सीखने में लगा हो, इस बात पे लाइक ठोको यार, आई मीन टू से नीचे लाइक का बटन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ओके? और ऐसे ही कुछ एंटिक फॉर्मूलाज या फिर बहुत सारे एक्सेल के फंक्शन, सारी चीजें सीखना है, मेरी टीचिंग टाइल पसंद करते हो तो एक बार जरूर यहाँ पे आइए मेरी वेबसाइट पे, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मेरे एक्सेल के सारे कोर्सेस अवेलेबल है, जैसे एक्सेल बीबीए मास्टरी, एक्सेल एमआईएस, एक्सेल पावर क्वेरी, एक्सेल बिगिनर टू एडवांस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे से कुछ भी सीखना तो आप इस वेबसाइट पे आके कोर्सेस इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ कोर्सेस मिलने वाले हैं, बहुत ही कम रेट में ये कोर्सेस अवेलेबल है। लर्नप्रो नाम की भी ये वेबसाइट है जो कि यहाँ पे आपको सारे कोर्सेस दिखाई दे रहे हैं बहुत ही कम रेट में, ऑनलाइन घर बैठे बैठे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ कोर्सेस आपके लिए मैंने अवेलेबल करके रखे। इंफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मोड फंक्शन तो जान लिया, अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम मैच फंक्शन लगाने वाले। देखिए मैच फंक्शन आपने पहले यूज किया होगा, ये समझकर मैं इसे यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप कर मैच फंक्शन आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया तो आप उसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल से सीखो या फिर मेरे कोर्स से सीख लो। यहाँ पे क्या आता है मैच फंक्शन में, देखिए मैच फंक्शन में तीन आर्ग्यूमेंट है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच टाइप, राइट? सो लुकअप वैल्यू में हम हमेशा अक्सर एक ही वैल्यू देते हैं। अब तक मैंने जितनी भी मैच पढ़ाया ना आपको, ज्यादातर हमने लुकअप वैल्यू में या पे मैच में एक ही लुकअप वैल्यू दी है, जैसे कि एक लुकअप करेंगे हम पर्टिकुलर रो या कॉलम में, तो मैच में हमने एक लुकअप दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू के अंदर ही एक रेंज ले रहे हैं हम, ये पूरा का पूरा एरे ले रहे हैं लुकअप वैल्यू के अंदर। देखिए लुकअप वैल्यू में मैंने क्या लिया, C2 से लेकर K2 तक जितना भी मेरे पास स्टेटस है वो पूरा का पूरा मैंने मैच में लुकअप वैल्यू में ले लिया है। देखिए ध्यान से, लुकअप वैल्यू में इस बार मैंने एरे ले लिया है, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं ली है। उसके बाद मैं कोमा करूंगा, यहां पे भी ध्यान दीजिए, अभी लुकअप एरे, लुकअप एरे में भी सेम एरे में ले रहा हूं। अब आप बोलोगे या आप कंफ्यूज हो गए रहेंगे कि भाई लुकअप वैल्यू में भी वही है, लुकअप एरे में भी वही है, रिजल्ट किस तरह से आएगा फिर इसका, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे समझ लो पहले। और कोमा करके एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिखते हैं, ये मैच यहां पे कंप्लीट हो चुका है फॉर्मूला। अब इसको एंटर मत कीजिए, एंटर अगर आप करोगे ना व्हाट विल गेट, एरर, कुछ नहीं मिलेगा भाई, हाथ में बस तंबू मिल जाएगा, मतलब वैल्यू एरर आएगा। तो यहां पे एरर इसलिए आएगा क्योंकि एरे एरे की है, हमें बस इसका रिजल्ट पहले कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, F9 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। देखिए ध्यान से, जैसे मैं F9 बटन प्रेस करता हूं ये कैलकुलेट होके यहां पे आ रहा है रिजल्ट। अब मैं इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करता हूं, देखिए ये बता रहा है कि 1 2 1 4 1 1, ये क्या है बेसिकली, बेसिकली क्या है यहां पे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले यहां पे नोटिस कीजिए, पहले वाली वैल्यू पे ये है पेंडिंग, और पेंडिंग है पहले वाले कॉलम में, तो इस पेंडिंग वाले वैल्यू को एक बार उसने कॉलम नंबर असाइन किया तो रिपीटेड जब वो पेंडिंग वैल्यू जहां कहीं पे भी उसको दिखाई देगी जो भी कॉलम में, उसको वो कॉलम नंबर 1 ही बताएगा। देखिए जहां जातक ये 3 नंबर कॉलम में यहां पे आपको पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी 3 नंबर पोजिशन में पेंडिंग में जो वैल्यू का नंबर है, कॉलम का नंबर है, आई मीन टू से उस टेक्स्ट का नंबर जो है वो आ रहा है 1। तो यहां पे आप देखेंगे 5 नंबर कॉलम 6 7 8 9, तो यहां पे देखिए 5 नंबर पोजीशन पे 1 6 7 8 9 नंबर के पोजीशन पे भी 1 1 आ चुका है। अब आप बोलोगे यहां पे 2 क्यों आ रहा है सेकंड पे, तो यहां पे उसको पेंडिंग की जगह कुछ और मिला है कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड को उसने नंबर 2 असाइन कर दिया, उसने बोला कि नंबर 2 नंबर कॉलम में एक अलग वैल्यूज है और उसको 2 नंबर उसने असाइन कर दिया, लेकिन ये 2 नंबर कॉलम में जो वैल्यू है वो आगे कहीं पे भी नहीं है, इसलिए 2 नंबर आपको आगे कहीं पे भी नहीं रिपीट मिल रहा है, राइट? क्योंकि हमने क्या किया है, लुकअप एरे और लुकअप वैल्यू वही दिया है। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करेंगे, पेंडिंग को पहले पेंडिंग में चेक करेंगे, तो उसका कॉलम नंबर दे दिया उसने 1, तो इस वाले पेंडिंग को फिर से इस वाले पेंडिंग से अगर चेक करेंगे तो वो बोलेगा कि इसका कॉलम नंबर ऑलरेडी 1 है, मतलब इस पेंडिंग को यहां पे कॉलम नंबर 1 असाइन हो चुका है, इसीलिए वो सारी जगह पे पेंडिंग को कॉलम नंबर 1 ही देगा, याद रखिए। और कंप्लीटेड के केस में भी ऐसा हुआ है। अब यहां पे आप देखोगे आगे 4 नंबर कॉलम में इन प्रोग्रेस आपको मिल रहा है, और इन प्रोग्रेस को यहां पे बता रहा है वो 4 नंबर कॉलम, यहां पे कॉलम नंबर वो बता रहा है, याद रखिए उस वैल्यू का कॉलम नंबर वो बता रहा है कि भाई ये वाला टेक्स्ट वैल्यू मींस टेक्स्ट बोलना है मुझे यहां पे, तो ये टेक्स्ट 4 नंबर कॉलम में पड़ा है। अगर इन प्रोग्रेस और कहीं पे होता तो उसको आगे 4 नंबर ही कॉलम वो असाइन करता। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं, मैं इसे स्किप कर देता हूं, ये वैल्यू एरर रहने दो क्योंकि मैंने एंटर किया था। अब मैं इन प्रोग्रेस 6 नंबर कॉलम में यहां पे कर रहा हूं, आपको एग्जांपल के लिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं, मैंने फोकस करके रखा है, पूरा टॉर्च लेके मैं घूम रहा हूं ताकि आपका ध्यान इधर आए, राइट? पूरे डेटा पे ध्यान नहीं देना है। तो इस फॉर्मूला को मैंने सिलेक्ट किया और F9 प्रेस किया,
फॉर्मूला को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे तो अब आप देख पाएंगे कि भाई यहां पे चार बता रहा है और यहां पे चार बता रहा है। चार नंबर की पोजीशन पे चार क्यों बताएगा? क्योंकि वो चार नंबर की पोजीशन पे पहली बार इन प्रोग्रेस उसको नई वैल्यू मिली है, तो उसने असाइन किया कि भाई ये चार नंबर कॉलम पे है। अब चार नंबर कॉलम पे जो वैल्यू वो रिपीट छह नंबर पे है, तो उसने उसको बताया कि भाई ये चार नंबर कॉलम पे ऑलरेडी वैल्यू मिली है तो उसका नंबर चार ही रहेगा, राइट? तो आपको यहां पर ये वाला मैच डेफिनेटली समझा होगा कि भाई लुकअप वैल्यू में भी रेंज ले लो, लुकअप एरे में भी सेम रेंज ले लो, तो आपको मैच क्या दिखाता है? मैच बताता है कि भाई कौन से कॉलम में वो वैल्यूज रिपीट हो चुकी है। इंटरेस्टिंग है ना? तो यहां पे आपको ये मिला है, साथ में आपको अंडू कर देता हूं और मोड भी मिला है। मैंने यहां पे अंडू इसलिए किया क्योंकि ये F9 किया था मैंने, याद रखिए। अगर आप इसे F9 करते हो, बहुत बार स्टूडेंट मुझे पूछते कि हमने F9 कर लिया और फिर एंटर कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। एंटर करेंगे तो फिर से फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड कीजिए F9 करने के बाद, और यहां पे अब कर्सर रख के अब अपना वो मोड वाला फॉर्मूला टाइप कीजिए जो अभी हमने किया था। मोड और मैच एक दूसरे में मिक्स कीजिए, और आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने की जरूरत नहीं, मोड यहां पे ऑटोमेटिकली रेंज को पिक कर लेता है, एंटर कर देना है बस। एरे के लिए हम जनरली कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, बट यहां पे एंटर करेंगे तो भी आंसर आ जाता है। वो बताता है कि आपके एक नंबर कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है ना, वो ज्यादा बार इसमें अवेलेबल है। वो बता रहा है कौन सी वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां पे इस केस में जरा ध्यान दीजिए, सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में भी बता रहा है कि एक नंबर कॉलम में जो वैल्यू पड़ी ना इन प्रोग्रेस, वो ज्यादा बार है। देखिए इसमें वो वैल्यू का नंबर बता रहा है, मतलब कॉलम का पोजीशन बता रहे कि भाई एक नंबर कॉलम में जो पड़ी है वही है। आप बोलोगे यहाँ पे एक नंबर कॉलम में पेंडिंग थी, यहाँ पे इन प्रोग्रेस है, हाँ तो इन प्रोग्रेस रिपीटेड है इसमें ज्यादा बार, तो यहाँ पे क्या है कंप्लीटेड रिपीटेड है ज्यादा बार, तो कंप्लीटेड रिपीटेड तीन नंबर रो में मैं बात कर रहा हूँ, तीन नंबर रो की, तो उसका वन बता रहा है। लेकिन यहाँ पे दो बता रहा है क्योंकि यहाँ पे इन प्रोग्रेस एक ही बार आया और पेंडिंग वाली वैल्यू दो नंबर कॉलम में है। देखिए दो नंबर स्टेटस पोजीशन है उसका और उसके बाद पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, इसलिए वो बोल रहा है कि भाई दो नंबर के कॉलम में जो वैल्यू है वो ज्यादा बार रिपीटेड। यहाँ पे तो पांच नंबर के कॉलम में जो वैल्यू है, जैसे ये कंप्लीटेड ज्यादा बार रिपीटेड है। सो यू आर गेटिंग क्या हो रहा है, वो बता रहा है कि कौन से कॉलम में रिपीटेड वैल्यू है। मोड तो आपको बता रहा है और मोड की वजह से ही ये यहाँ पे, मोड क्या बताएगा इसमें कौन कौन से रिपीटेड वैल्यूज है, मोड के अंदर मैच है ना यहाँ पे, सो मैच को F9 करो, तो मोड ये बता रहा है, देखिए वही एरे जो हमने अभी लिखा था, अभी मोड पहले एक्सप्लेन किया था ना मैंने, तो वो एरे यहाँ पे आ रहा है और वो बता रहा है कि भाई इसमें एक नंबर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा बार रिपीटेड है। इस वाले में देखते हैं क्या आ रहा है मैच में, जरा देखिए F9 इसमें कौन सी वैल्यू रिपीटेड है, ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जरा जूम करता हूँ, यहाँ पे पांच 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 बहुत बार रिपीटेड है। पांडव कितने थे? पांच। हाथ की उंगलियां कितनी है? पांच। डैडी कितने हैं? पांच मत बोलो, मैं ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते ये सवाल पूछता हूँ, डैडी कितने बोले? पांच। ओके, उनको पांच की आदत पड़ती है, आई एम जस्ट किडिंग। बट यहाँ पे फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि भैया हमें मैच से क्या मिलता है और मोड से क्या मिलता है, गारंटेड आपको समझा होगा। मैंने तो डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत नहीं समझा होगा तो थोड़ा रिवाइंड कीजिए और कोशिश कीजिए अपने दिमाग को जोर डालने की कि भाई हो क्या रहा है बेसिकली। जब आप जोर डालोगे तो भाई दिमाग जरूर आपको सपोर्ट करेगा। ओके, सो फाइनली हमारे पास कॉलम नंबर मिला है। अगर हमारे पास कॉलम नंबर मिला है कि भाई कौन से कॉलम में ऐसे वो वैल्यू है, तो हम इसे इंडेक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं आगे? इंडेक्स लगा देंगे। देखिए ध्यान से मैं क्या लगा रहा हूँ, इंडेक्स है, इंडेक्स यहाँ पे मोड़ के पहले जूम कर रहा हूँ, जूम 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 जूम, और इंडेक्स लिखो। इंडेक्स में हमें वही रेंज लेनी पड़ेगी, इस रेंज में, इस रेंज में, और हम यहाँ पे कोमा करेंगे, और कोमा करने के बाद ध्यान से देखिए इंडेक्स में मैंने पहले दिया है एरे, तो ये है इंडेक्स का एरे। ध्यान से देखिए इंडेक्स में एरे देना होता है, तो एरे दिया है ये वाला एरे, हाईलाइट हो गया देखिए। अब उसके बाद रो नंबर या कॉलम नंबर आपको पूछा जा रहा है, तो बेसिकली हमें कॉलम नंबर फाइंड आउट करना है। हमें कॉलम नंबर दिया गया है ना यहाँ पे कि एक नंबर कॉलम, लेकिन अगर आप यहाँ पे रो नंबर रख के भी एंटर करोगे, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे कॉलम नंबर अगर देना है तो आप एक कोमा पुट करो तो कॉलम नंबर की पोजीशन पे ये चला जाएगा और बीच में ये ब्लैंक आएगा, तो भी आंसर करेक्ट आएगा। और आपने ये कोमा नहीं भी दिया, आपने बस रो नंबर की पोजीशन पे ये फॉर्मूला रख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी रेंज ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे तो हॉरिजेंटली वर्टिकल है ही नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट रो एंड कॉलम, बस आपको क्या करना है इंडेक्स में एरे सेलेक्ट करना है और आगे मोड जो है रो नंबर की पोजीशन पे डाल देना है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड हिट द एंटर बटन, एंटर
एंटर. ओके नाउ यू आर गेटिंग योर रिजल्ट एंड ड्रैग द फॉर्मूला और एल्स डबल क्लिक व्हाटएवर यू कैन डू इट इजिली लाइक यहाँ पे डबल क्लिक कर लो और यहाँ पे आंसर आ चुका है एंड चेक इट आउट कर सकते हैं. आप खुद चेक कर लो. पहले वाले में वो बता रहा है कि भाई पेंडिंग ज़्यादा है आ गया, दूसरे वाले में इन प्रोग्रेस ज़्यादा है आ गया, तीसरे वाले में कंप्लीटेड ज़्यादा है, इसमें तो पॉज ज़्यादा है. अगर आप चाहते हैं कि पॉज की जगह यहाँ पे कुछ वैल्यूज बदलते जाए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड कर दिया, यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड कर दिया, कंप्लीटेड कर दिया, ये तीन कंप्लीटेड है लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे ज़्यादा पॉज ही है, राइट. हाँ अगर मैं यहाँ पे इन प्रोग्रेस कर देता हूँ, इन प्रोग्रेस कर देता हूँ तो अब वो बताएगा क्या, देखिए ध्यान से ज़रा, इन प्रोग्रेस कर देता हूँ तो अब वो कंप्लीटेड बता रहा है. हालांकि यहाँ पे कंप्लीटेड तीन है और इन प्रोग्रेस भी तीन है और पॉज भी तीन है, लेकिन वो एक नंबर की पोजीशन पे जो वैल्यू है उसे उठाएगा रिपीटेड, राइट. याद रखिएगा, अब मैं यहाँ पे भी कंप्लीटेड करूंगा या फिर मैं यहाँ पे इन प्रोग्रेस कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इन प्रोग्रेस बता रहा है क्योंकि इन प्रोग्रेस चार है. सो मैक्स रिपीटिव स्टेटस कौन से है, यहाँ पे ये रिजल्ट आ चुका है. छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन ट्रिकी फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने शुरुआत थोड़ी सी कड़क कर दी इस वीडियो की. सो इस वीडियो को मैंने कड़क बनाने की कोशिश की, वीडियो की शुरुआत तो कड़क थी लेकिन मैंने इस वीडियो को स्मूथली एक्सप्लेन करने की कोशिश की. डेफिनेटली आपको ये समझा होगा, आपको पल्ले पड़ा होगा, तो भाई लाइक शेयर और कमेंट करने में हिचकिचाहट क्यों कर रहे हो, लाइक जरूर कीजिए. और साथ ही में हमसे और कुछ सीखना चाहते हैं तो भाई आ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, learnmorepro.com नाम की वेबसाइट है या learnmoreindia.in नाम की वेबसाइट है जहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेगी. डिस्क्रिप्शन में सारी वेबसाइट की लिंक हमने दी है, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन यहाँ पे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करे हैं, विदाउट एडवर्टाइजिंग विद सर्टिफिकेट लाइफ टाइम एक्सेस के कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. ज़रूर 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 एक बार चेक कीजिए, चेक करने में क्या जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे घर बैठे बैठे सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है. और मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है, मतलब इस चैनल के अलावा जितने भी चैनल है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, क्योंकि मैंने 5 सिल्वर और 1 गोल्ड बटन अचीव किया है यूट्यूब से दोस्तों, तो ज़रूर चेक कीजिए हमारे बाकी भी चैनल. मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए. बाय बाय.